ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆਸ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆਸ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। टाइम इस वक्त तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, तो सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। अभी दिन छोटा हो रहा है और रात बड़ी हो रही है, तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7:30 हो चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे रैबिट पार्टी। दोस्तों ने बोला है कि हमें रैबिट खिलवाओ, तो ये रैबिट मैंने घर में रखे हुए हैं। वैसे तो शिकार मना है, तो इसलिए हमने ये घर में रखे हुए हैं। अभी हम इनको पकड़ लिए मैंने, तो अभी इनको ज़बह करवाना है। तो इसको लेकर जाएंगे अभी इनको हमारा जो कसाई है उसके पास, जो ये काम करता है ज़बह करने वाला। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं वीडियो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो चलें अभी आपको दिखाते हैं। कटे भी लाल करते हैं, बहुत प्यारा गोश्त होता है इनका, मिलावट से पाक होता है। छोटा गोश्त भी मिलता है चिकन, तो बकरा वगैरह भी ये लाल करते हैं। अभी ये हमने इनसे लाल करवाए हैं, अभी ये साफ करेंगे। चलें Thank you।
इधर से लेंगे अभी लकड़ियाँ, क्योंकि हम लोग जो है ना गांव में लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। इधर आ तैयार अभी रैबिट माशाल्लाह कुकिंग कर रहे हैं शिराज भाई और कामरान जिन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी कुकिंग नहीं है, फर्स्ट टाइम है, और वो भी रैबिट की, डायरेक्ट रैबिट की, चिकन भी नहीं है। जी नाज़रीन, तो अभी ये हमने लगा दिया इसको दम, अभी ये दम इसलिए लगाया कि गोश्त जो है ना गल कर नरम हो जाएगा, तो फिर खाने
के काबुल हो जाएगा। ये हम लोग अपने घर के देसी रैबिट हैं, घर में रखे हुए हैं, वो बना रहे हैं। जंगली रैबिट नहीं है। टीम हमारी जो है ना वो इंतज़ार में बैठी हुई है कि कब ये मुकम्मल होगा तो हम लोग इसको खाएंगे। तो वो जो है ना हमारे थके हुए दोस्त माशाल्लाह सारा दिन जो है हाल चलाते रहे हैं और अभी जो है ना इनको नींद आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा धुआं, आग भी काफ़ी जल रही है, ठंड भी काफ़ी महसूस हो रही है। किस तरह नजर है जी नाजरीन, तो अभी हमारा सामान रेडी हो चुका है, गोश्त बन गया है, मुकम्मल हो चुका है और रोटियां भी आज पहली दफ़ा हमने खुद ही बनाई हैं माशाल्लाह। हमारे साथ जो है कामरान भाई हमारा साथ दे रहे थे, इधर शिराज भाई दोनों उन्होंने कुकिंग की है, इधर अब्दुल्ला भाई जो है रोटियां बनाने में मसरूफ रहे, बाकी भी दोस्त हमारे साथ हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है ना आज कोई पार्टी हुई है, अभी हम लोग जो है खाना खाएंगे।
टाइम भी काफ़ी हो चुका है, रात के तकरीबन 11 हो चुके हैं, तो शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह पढ़ें। मुकम्मल हो चुकी है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, सब दोस्त खाना खा चुके हैं, तो अभी दो तीन दोस्त तो घर जा चुके हैं। अभी मेरे साथ एक मुदस्सर कामरान और ये जो है हमारे अफ्ताब भाई, इनको ज़्यादा ठंड लग गई है, जो इधर ही है ना दोहरे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी दूसरी वीडियो को भी देखा करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।